नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के फेवरेट चैनल। और अगर हम बात करें यहां गैजेट ज्ञान पे, तो जी हां, यहां पर फ्लिपकार्ट पे सेल चालू हो चुका है। और जैसा कि पता है कि फ्लैगशिप फोन काफ़ी सारे सस्ते में मिल रहे हैं, तो एक सवाल आता है जहन में। थोड़ा सा अगर लेक्चर सुनिएगा वीडियो के लास्ट तक तो आप ही को मदद होगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पर। तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि फ्लैगशिप वाले फ़ोन सस्ते में मिलते हैं, जैसे कि अभी जीता जागता एग्जांपल अगर हम बात करें तो मी मिक्स 2 का यहाँ पर आपको 15,000 रुपये सेल में मिलेगा। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था तब ये आया था लगभग 40,000 के आसपास की इसकी कीमत रखी गई थी। फुल ग्लास बॉडी है फ़ोन में, कोई तकलीफ नहीं थी अपने टाइम पर। प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 835 का चिपसेट मिलता है, UFS 2.1 स्टोरेज मिलता है, OIS मिलता है, 3400 mAh की बैटरी मिलती है, टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट मिलता है, मतलब फ़ोन परिपूर्ण है। तो 2020 में अगर आज के वक्त हमें ये लेना हो तो कितना सही होगा। चलिए अब थोड़ी बहुत इसका तोड़फोड़ किया जाए और पहली बात हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं, तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आपको इस फ़ोन में मिल जाता है 6+128GB का वर्जन मिल जाता है 15,000 रुपये में डिस्काउंट वाले प्राइस में, और डिस्काउंट वाला भी नहीं देखिएगा तो 20,000 रुपये में ये बिकता है। तो 6+128GB आपको 20,000 में दूसरे फ़ोन से भी आपको आराम से मिल जाएंगे। अभी पूरी वीडियो देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सीधा जंप कूद गए और उसके बाद फिर बस भैया चालू हो गए कमेंट करना, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और मिल जाता है 20,000 के आसपास में। 5.99 इंच का आपको फुल HD का डिस्प्ले, आपको सुपर एमोलेड तक का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। वहीं अगर बात करें तो 12 मेगापिक्सल का ही सिर्फ इसमें कैमरा आपको मिलता है, और सोनी का IMX386 वाला सेंसर मिलता है। आज के टाइम पर आपको सोनी का IMX686 का सेंसर मिल जाता है, तो कैमरा आपको फ्लैगशिप है लेकिन इससे फार बेटर मिल जाएगा। वहीं बात करें तो फिर फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। भाई ज़माना आ चुका है 16 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल का। और प्रोसेसर नो डाउट दमदार है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835 दमदार प्रोसेसर है, मैं कहीं पर भी इसमें मना नहीं करता हूँ। अब आते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। अब यहाँ पे और जानकारी है, जैसे कि स्पीकर मिल जाएगा सिंगल वन स्पीकर, 3.5mm जैक मिल जाएगा, एड्रिनो का 540 आपको मिल जाएगा जबकि एड्रिनो का 618 मिलता है आपको 730G में। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा जान लीजिए। IPS डिस्प्ले जैसे बताया कि एमोलेड भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ मिलता है आपको एंड्रॉयड नोगट 7.1.1। ये है किलर पॉइंट। जी हाँ, कोई भी फ़ोन जब आप लेते हैं, जब भी आप लेते हैं फोन, तो फोन का मेन चीज होता है स्पेक्स। उस स्पेक्स को चलने के लिए एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। अगर हम बात करें, आपको जैसे कि पता है कि पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम होते होते, जैसे पुराना होते जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के यहाँ पर जो कंपैटिबिलिटी होती है वो घटती जाती है, तो कंपैटिबल नहीं होता है। आपको मी मिक्स 2 में यहाँ पर नोगट मिलता है। आप सोच सकते हैं ओरियो चल रहा है अभी आज के टाइम पे, ऑलमोस्ट सब फोन में आपको ओरियो, ऑलमोस्ट एंड्रॉयड 10 आपको मैक्सिमम फ़ोन में आपको देखने को मिल जाता है, और एंड्रॉयड 11 भी बहुत सारे जो भी वाले हैंडसेट से उसमें मिलेगा। जो नोगट से ओरियो तक अभी तक नहीं पहुंचा है, उसमें आप उसके आगे वाला तो भूल ही जाइए कि आपको अपडेट मिलने वाला है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर इसी प्राइस में 835 चिपसेट है, लेकिन वो चिपसेट क्या काम का, क्योंकि आपको पुराने हैंडसेट्स है वो फ्लैगशिप अपने टाइम का, लेकिन पुराना हो चुका है वो फ़ोन, और आज के टाइम पे उसमें आपको अपडेट्स भी उतने रेगुलरली पुश नहीं किए जाएंगे। जब प्रॉपरली आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे तो आपको डे टू डे यूसेज वाला जो एप्लीकेशन होता है वो भी यूज़ करने में आपको तकलीफ होगी। इन शॉर्ट, अगर व्हाट्सएप तक भी आप इस्तेमाल करेंगे तो शायद आपको वहाँ तकलीफ देखना पड़ सकता है, क्योंकि उस वैसे हैंडसेट्स है वो जो वो अपने टाइम पे भी नहीं बिका था और अभी उसे सस्ता करके बेचा जा रहा है। तो आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाई आप और हम एक परिवार के जैसे, और मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पर ये जानकारी देना ज़रूरी है। कोई भी पहली बार जब यहाँ देखेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 835, भाई आँख बंद करके उठा लेगा। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मी मिक्स 2 मत लीजिएगा। 12 मेगापिक्सल का कैमरा, सोनी का IMX386 का सेंसर, क्या कीजिएगा आप? आपको क्वाड कैमरा मिलता है आज के टाइम पे उसी प्राइस सेगमेंट में। आप अगर, मेरे को लगता है अगर आप कंपेयर करेंगे अपना रियलमी 6, रेडमी नोट 9, 9 प्रो से, आपको मी मिक्स 2 से फार बेटर आपको वहाँ पर इमेज की क्वालिटी मिलेगी। 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल के यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। बैटरी बड़ी ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं 5,000 mAh की।
अब ये सब कुछ अगर साइड कर दिए तो यहाँ पे दो फोन ऑलरेडी इस सेगमेंट के आसपास में है। अगर हम बात करें 15,000 जो सेल में प्राइस होने वाला है उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। एक तो रियलमी 6 है जिसमें आपको सैमसंग का GW1 का सेंसर मिलता है, काफ़ी अच्छा कैमरा में इमेजेस क्लिक करता है। वहीं अगर बात करें तो रेडमी नोट 9 भी है यहाँ पे, 9 प्रो है, फिर रेडमी नोट का नोट 8 प्रो भी अवेलेबल है इसी सेगमेंट में। तो आपको इमेजेस की क्वालिटी चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, मतलब एक नया वाला फ़ोन में भले ही प्रोसेसर उतना दमदार नहीं मिलेगा 835 जैसा, लेकिन आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे, आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, बैटरी आपको बड़ा मिलने वाला है। यहाँ तक कि रियलमी के अगर कोई भी डिवाइसेस आप लेते हैं तो वहाँ पर आपको क्विक चार्जर भी मिलता है 30 वॉट का। और सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको आज के ज़माने के साथ वहाँ पर कंपैटिबिलिटीज़ मिलेंगे, इश्यूज़ नहीं आएंगे आपको, आपका एप्लीकेशंस अच्छे से चलेगा, जो कि मी मिक्स 2 में आपको दिक्कत हो सकती है, ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि पुराने हैंडसेट्स जैसे पुराना होते जाता है धीरे धीरे, आपको भी पता है कि कंपनीज यहाँ पर अपडेट देना धीरे धीरे बंद कर देती है। तो इस कारणवश मैं बोलूँगा कि भैया मी मिक्स 2 से बचो, मी मिक्स 2 को मत लो। फोन 835 चिपसेट के साथ आता है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत दमदार प्रोसेसर है, 730G 720G 712 के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, 835 टॉप नॉच है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कैमरा में ये कम्प्लीटली मात खाएगा, बैटरी में कम्प्लीटली मात खाएगा, डिस्प्ले आपको उसी प्राइस सेगमेंट में 1-2 हज़ार रुपये ऊपर मिलाओगे तो आपको एमोलेड यहाँ पे मिल रहा है तो वो क्यों लोगे आप, बैटरी कम मिलेगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतना आई थिंक इनफ जस्टिफिकेशन है कि मी मिक्स 2 आप मत लेना। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों से बचिए, ऑफर्स में हर चीज जो सस्ता होता है वो बढ़िया नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा इस चीज का ध्यान रखिए और हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा, ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।